हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनएसपी लर्निंग हब, बिकॉज़ लर्निंग इज लाइफ। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि सीबीएसई ने अपना 10th और 12th का सिलेबस रिलीज कर दिया है, फर्स्ट और सेकंड टर्म का। फर्स्ट टर्म आपके नवंबर दिसंबर में होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जबकि सेकंड टर्म आपका मार्च अप्रैल में होगा, जिसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कौन कौन सा सिलेबस आपका डिलीट हुआ है और कौन कौन सा चैप्टर आपका आ रहा है, उसमें क्या क्या पार्ट डिलीट हुआ है, उसके बारे में आज हम बताएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि साइंस में फर्स्ट टर्म में क्या क्या चीज डिलीट हुई है। चैप्टर वन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन आ रहा है और इसमें कोई डिलीशन नहीं है, यानी कि फुल चैप्टर आएगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट का भी कोई डिलीशन नहीं है, ये भी फुल चैप्टर आपको पढ़ना है। चैप्टर थ्री मेटल एंड नॉन मेटल्स में आपका अक्रेंस ऑफ मेटल और बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 डिलीट हुआ है, ये आपको छोड़ना है। इसके अलावा बाकी का पूरा चैप्टर आपको तैयार करना है। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, जो कि बायो का है, इसमें कोई डिलीशन नहीं है, ये चैप्टर आपको पूरा तैयार करना है। चैप्टर 10 लाइट का रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन, इसमें जो मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन है, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन डिलीट किया गया है। और चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड्स में से आपको ह्यूमन आई पूरी डिलीट कर दी गई है विद देयर डिफेक्ट्स, यानी जो भी उसमें डिफेक्टेड पार्ट्स थे, उसका जितना भी रे डायग्राम वगैरह है, सब डिलीट हो गए हैं आपके। तो फर्स्ट टर्म में आपको इतना पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि चैप्टर सेकंड में क्या क्या पार्ट्स हमारा डिलीट हुआ है और कौन कौन सा चैप्टर सिलेबस में आ रहा है। चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें डिलीटेड पार्ट्स है आपका नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, सोप एंड डिटर्जेंट। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13 एंड 15, इतना पार्ट आपका डिलीट हो गया है, बाकी का आपका आएगा, आपने पढ़ना है। चैप्टर 5 में पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, यानी फुल चैप्टर तैयार करना है, आपने फुल चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर 8 जो कि आपका बायो का चैप्टर है, हाउ टू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस, इसमें भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये भी आपको फुल चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जो आपका बायो का है, इसमें सिर्फ एवोल्यूशन पार्ट डिलीट किया गया है, यानी हेरिडिटी पार्ट आपका पूरा आएगा। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, ये वो फिजिक्स का पार्ट है, इसमें जो डिलीट हुआ है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, इन ये दो टॉपिक आपके डिलीट किए गए हैं। चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें आपका डिलीटेड पार्ट है जेनेटिक इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड डोमेस्टिक सर्किट, और बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 16, 17, 18, यानी कि डिलीटेड पार्ट्स को छोड़कर बाकी सारा पार्ट आपको तैयार करना है। और आपका फर्स्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, जबकि आपका सेकंड टर्म में आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म में जो ऑब्जेक्टिव फेस क्वेश्चन होंगे वो किस किस फॉर्म में होंगे। वो मेनली आपके एमसीक्यूज फॉर्म में होंगे, जो कि वैल्यू बेस्ड एमसीक्यूज हो सकते हैं, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं, और एक्सर्शन और रीजनिंग बेस्ड एमसीक्यूज होंगे। तो आपको सभी चैप्टर बहुत डीपली, सारे टॉपिक्स बहुत डीपली स्टडी करनी है, न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, रे डायग्राम अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एमसीक्यूज में आपको जो सही ऑप्शन होगा उस पर टिक लगाना होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियोस में अपने वन शॉट्स डालूंगी फर्स्ट टर्म के सिलेबस के, और एमसीक्यूज क्वेश्चंस की भी वीडियोस डालूंगी। तो उसके अलावा आपको किसी और चीज की वीडियो चाहिए, ये डायग्राम्स की, न्यूमेरिकल्स की, तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। थैंक यू।